फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 1A का। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था एक्सरसाइज नंबर 1A का, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। इफ़ पी इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, एंड कर्ली ब्रैकेट एंड क्यू इज इक्वल कर्ली कॉमा 1, B, C, एंड D, कर्ली ब्रैकेट। राइट द सैम्पल्स, ये सैम्पल्स हैं, इनसे हमें बिलोंग करवाना है। इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। चलिए अब हम यहाँ पर मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ। P इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर P जो है वो बिलोंग करता है 1, 2, 3, एंड 4 से। तो मतलब कि अगर ये हैं तो यहाँ पर भी हमें इसी तरह से हमें बिलोंग करवाना है इनको, इन मतलब कि साइंस को, सैम्पल्स को हमें बिलोंग करवाना है। तो कौन सा ये यहाँ पर ट्रू है। और क्यू से बिलोंग करते हैं कर्ली ब्रैकेट 1, B, C, एंड D, यहाँ इसे ही हमें बिलोंग करवाना है इसी तरह। तो अब हम आते हैं फर्स्ट नंबर पर, टू ब्लैंक पी। यानी यहाँ पर देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी और ये यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट 1, 2 आ रहा है, तो वो पी से बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम साइन देंगे। तो चले आ जाए हम यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह करेंगे। अब हम वापस बुक पर आते हैं और हमारा सेकंड नंबर है 5-P। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम आए तो पी इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, एंड कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पर हमारे पास 4 के बाद 5 नहीं आता और ना ही यहाँ पर कोई डॉट डॉट आता है जिससे कंटिन्यू हो। तो ये हमारा यहाँ पर हम इसे बिलोंग नहीं करवा सकते, तो ये हो गया हमारा रॉन्ग। तो यहाँ पर भी हम ये सिंबल देंगे ये, ठीक है। और अब हम आते हैं वापस बुक पर नंबर 3, ए बिलोंग टू पी। तो ए तो बिलोंग नहीं करता क्योंकि पी किसे बिलोंग करता है 1, 2, 3, एंड 4 कर्ली ब्रैकेट। तो ये इससे बिलोंग नहीं करता, तो ठीक है। तो अब हम यहाँ पर भी रॉन्ग का सिंबल देंगे और यहाँ पर भी रॉन्ग का। तो वापस हम बुक ही पर आएंगे, नंबर 4, डी बिलोंग टू क्यू। ये डी जो है वो बिलोंग करता है क्या, क्यू से वो बिलोंग करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्यू इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट 1, B, C, एंड D कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्यू A, B, C, D आ रहा है, तो ये यहाँ इससे बिलोंग करता है। तो हम राइट का सैम्पल दे देंगे और यहाँ पर भी। और अब हम वापस बुक पर आते हैं, तो यहाँ पर देखें नंबर 5, जी बिलोंग टू क्यू। तो यहाँ पर अब आते हैं क्यू इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट A, B, C, D कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्यू मतलब कि अगर यहाँ पर डॉट 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 होते तो हम समझ जाते कि कंटिन्यू हो रहा है, तो जी आ जाता, लेकिन यहाँ पर कोई साइन डॉट डॉट का नहीं है, तो ये हमारा हो गया रॉन्ग सिंबल। हम आप घर बैठे आप पूरा लिख सकते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और अब हम आते हैं नंबर 6 पर, 3 बिलोंग टू क्यू। क्या 3 बिलोंग करता है क्यू से? तो यहाँ पर ये देखें, क्यू इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट A, B, C, D। तो यहाँ पर सिर्फ ये अल्फ़ाबेट्स हैं और यहाँ पर नंबर्स हैं, पी से ही बिलोंग करते हैं नंबर्स और क्यू से अल्फ़ाबेट्स। तो ये भी हमारा, इसमें भी हम रॉन्ग साइन लगाएंगे। तो आज की ये वीडियो ख़त्म होती है और कल मैं आप